शासकीय योजनाओं में दिव्यांगों को मिलने वाले लाभ में करी जा रही कटौती को लेकर विकलांगों में नाराजगी देखी जा रही है। शनिवार को दिव्यांगों ने शासन द्वारा नजरअंदाज करने के विरोध में जिले भर के विकलांग शहर में सुबीजी परिसर पर एकत्रित हुए। यहां ललित यादव ने बताया कि पूर्व में सीएम आवास, राशन वितरण, बस सफर आदि में आरक्षण दिया जाता था, लेकिन शासन प्रशासन के अनदेखी के चलते इन सुविधाओं में वंचित किया जा रहा है। अगर हमें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है तो प्रदेश के 15 लाख विकलांग भोपाल में हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। जिले में भी 5,000 दिव्यांग शामिल होंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत सारा आपको हौसला प्रदान किया है, यह परमात्मा की बहुत बड़ी देन आपको मिली हुई है। यह देन के रूप में मैं निवेदन करूंगा कि आप जिस रूप में हो सके अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मोटापा अपने शरीर पे ना आने दें, जिससे कि आने वाले दिनों में आपको और अनेक तकलीफों का सामना करना पड़े। पीछे लगा है वहां प्रशासन ऑटोमेटिक झुक जाता है, उसे ट्राइसिकल बैसाखी या अन्य सामग्री के लिए खरगोन में नहीं लड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि अन्य जिलों की तुलना में रवि जोशी जी विधायक बाद में है, सेवक पहले है। और रही बात दिव्यांगों के लिए वो जो सेवाएं करते रहे उसकी, तो हमको ना तो तारीख याद है, ना दिन याद है, ना साल याद है। जब से उनके पास दिव्यांग आ रहा है कभी निराश नहीं होके गया, कभी जीवन में। उनका जो है शोषण सरकार कर रही है, उसी उपलक्ष्य में आज 40 जिलों की एक बैठक की जा रही है, जिसमें अभी जैसा देखा जाए कि आवास योजना है जितनी भी, सब में विकलांगों का कोटा खत्म कर दिया है। अगर सरकार ऐसा ही करती रही तो आज यहाँ एक बैठक तय की जा रही है कि जल्द ही दिव्यांगों का हल्ला बोल कार्यक्रम भोपाल में किया जाए। इसके तहत 15 लाख दिव्यांग हैं मध्य प्रदेश में, और कम से कम खरगोन जिले से 5,000 विकलांग जाने की तैयारी में लगे हैं कि भोपाल में जाकर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत हम जन आंदोलन करेंगे और अनिश्चित हड़ताल के लिए बैठेंगे। क्या है अभी तो फर्स्ट में देखा जाए, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो पूर्व में दिव्यांगों को आरक्षण के तहत मिल रही थी कि दिव्यांगों को पात्रता दी जाए, लेकिन उसका बिल्कुल नाम ही खत्म कर दिया है। उसके बाद 600 रुपये महीने की जो पेंशन मिल रही है, महीनों गिनती नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें जो है ना विकलांगों को फ़ायदा मिल ही नहीं रहा। अभी आंगनवाड़ी में विकलांग लड़कियों को लगना चाहिए, लेकिन वहाँ अच्छे लोग उसका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने स्पष्ट बता दिया है कि विकलांगों को कहीं से कहीं तक अभी बिल्कुल भी कहीं किसी भी योजना का लाभ ना दिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से विकलांग बिल्कुल चुप बैठा है, उनको चुप बैठने दें, और अन्य जो पार्टी लेवल के लोग जुड़े हैं उस स्तर पर उन लोगों को उस क्षेत्र में नियुक्ति करवाई जाए। इसके तहत हर व्यक्ति अधिकारी, आप महिला बाल विकास ले लो या फिर जिला पंचायत ले लो या कलेक्ट्रेट ले लो, सब जुड़े हुए हैं प्रशासन के ही, प्रशासन के उस पर नाच रहे हैं। जैसा प्रशासन चाहता है वैसी ही नियुक्तियां किए जा रही हैं, और वैसा ही जो है विकलांगों के साथ शोषण किया जा रहा है। कब आंदोलन कब करने अभी बस तैयारी है। अगर कल अगर आचार संहिता नहीं लगती तो हम कल ही कूच करते 5,000 विकलांगों को लेकर भोपाल के लिए, लेकिन अब अच्छा है हमें जो है समय थोड़ा और मिल गया है, इससे हमारी मजबूती मिलेगी और हम बड़े स्तर पर इसको अंजाम देने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदेश अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।